यस मिस्टर थापर, जी हाँ जी हाँ जी 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 कम इन जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बैठिए जी। तो थैंक यू सर। काफी जल्दबाजी में लगते हैं आप मिस्टर शर्मा। सर, बुजुर्गों ने कहा है ना कि नेका में देरी नहीं करनी चाहिए। वैसे बगैर अपॉइंटमेंट के हम किसी से मिलते नहीं हैं। I'm sorry सर। नहीं, लेकिन आपकी बात और है। आप हमारे होने वाले समधी हैं। जी 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 सर, रिश्ता तो पक्का ही है, पर क्या है सर कि एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट पे आप साइन कर दे तो। वैसे मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, मुझे आपकी कंपनी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर है, बस सर आप इस पर एक बार साइन कर दीजिए। क्या मैं आप हमारे बेटे विक्रम से मिलने आए हैं? विक्रम को मिले बगैर आप रिश्ता कैसे पक्का कर सकते हैं? दैट्स नॉट राइट, आई थिंक यू मस्ट मीट हिम। जी 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 सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुझे भी विक्रम जी से मिलने की बहुत इच्छा है, पर क्या है कि एक बार ये साइन हो जाए तो। बुजुर्गों ने कहा है ना कि एक वक्त पे एक ही काम करना चाहिए। सर बुजुर्गों ने सही कहा, वन थिंग एट अ टाइम। जी आइए आइए। मॉर्निंग। यू फायर्ड मिस्टर देशपांडे। सर, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। एक्सक्यूजेस सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खो दिया है, एंड आई कांट टॉलरेट दैट। दूसरी बार मिस्टर पांडे, दूसरी बार आपकी गलती की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है, एंड फॉर दैट आई थिंक यू आर अ टोटल लूजर। मेरे ख्याल से आप घर बैठे, क्योंकि हार मानने वाले लोगों के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं। सर प्लीज, यू मे लीव नाउ। थैंक यू मिस्टर देशपांडे। Don't worry, I'll talk to you later. Okay. Mr. Raghuveer Sharma, Shyamali ke brother-in-law, my son Vikram. Why? Hi. इसे कहते हैं वक्त का फेर। मामूली आदमी जब बड़ा बन जाता है तब घर पे भी उसकी इज्जत बढ़ जाती है। पहले जब मैं लौटता था तो दरवाजे पे खड़े रहकर घंटों तक घंटियां बजाते रहता था, लेकिन अब दरवाजा खोलकर मेरा इंतजार किया जा रहा है। वाह। सिंघानिया साहब के ऑफिस गया था मैं, विक्रम से मिला। वाह, क्या लड़का है, क्या पर्सनालिटी है, एंग्री हैंडसम यंग मैन। शामली उसे देखेगी फौरन शादी के लिए हाँ कह देगी। ये क्या, इतना सड़ा हुआ मुंह लेके क्यों खड़ी हो? पति जब काम से थका हारा आता है तो मुस्कुराकर उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन तुम होगी और कहाँ है तुम्हारी बहन शामली? वो तो बना रही थी तब तक तो वो अपने कमरे में ही थी, पर एक घंटे बाद जब मैंने देखा
घर पर नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई वो। इतनी रात गई, तुम्हें बताए बगैर वो कहाँ जा सकती है? अगर शामली सिद्धांत के साथ भाग गई है तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रश्मि, अजीब बात है, इतनी रात गए शामली कहां जा सकती है? और वो बाहर गई, वो तुम्हें बिना बताए? कहीं उसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इतनी रात गए कहां जा सकती है वो? कुछ गड़बड़ है। देखो देखो, ये मत भूलो कि सिंघानिया साहब के बेटे से उसके रिश्ते की बात चल रही है। अगर उसका किसी के साथ चक्कर है या फिर वो कहीं भाग गई है तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, बोलो। देखो सच सच बताओ मुझे, क्या शामली रिश्ते की बात को लेकर खुश नहीं थी? ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर क्या बात है? देखो अगर उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है या वो किसी के साथ भाग गई है, और अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो मैं तुम दोनों को इंतजार था मुझे इस पल का। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता शामली। मैं हमेशा चाहती थी कि हमारी शादी धूमधाम से हो, हमारे अपनों के बीच, उनका हमें प्यार मिले, आशीर्वाद मिले। लेकिन आज यहां हमारा कोई भी नहीं है हमारी खुशी बांटने के लिए। लेकिन आज हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है
कि हमारी शादी होने वाली है। सुनिए, मैं ये कहना चाहते थे कि कहो कहो ना, तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा हूँ मैं। अच्छा बताओ, कहाँ गई है वो, किसके साथ गई है? नहीं, मैं ये कहना चाहती थी कि हम पुलिस में इन्फॉर्म। पागल हो गई हो तुम? अगर पुलिस के पास जाएंगे तो सिंघानिया साहब को पता चल जाएगा। नहीं नहीं, पुलिस के पास नहीं जाना है। और फिर पुलिस के पास क्यों जाए हम? तुम ही कह रही थी ना कि यहीं कहीं पर गई है, तो आ जाएगी। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम एक पतिव्रता नारी हो, और पतिव्रता नारी के लिए पति भगवान होता है ना? और भगवान के सामने झूठ बोलना पाप है। अगर भगवान को गुस्सा आ गया तो वो बहुत ही खतरनाक सजा देंगे। अच्छा चलो चलो, मुझे बताओ कि वो कौन है जिसके साथ। मैं सच कह रही हूं, मैं कुछ भी नहीं जानती। तो तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं कि उसका किसी के साथ चक्कर है ना? है ना? We'll be right back.
रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। थैंक्स। वैसे आप इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। आपको पता होना चाहिए कि ये जगह इतनी रात को सुनसान हो जाती है। इट्स नॉट सेफ। इट्स ब्लीडिंग। अप अप, मैनेज इट। आई मैनेज। अच्छा, मैं चलती हूँ। थैंक्स। अब एक मिनट, देखिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, मैं आपको पहले ही थैंक्स कह चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार कहती हूँ, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए प्लीज, मुझे घर जाना है। सिर्फ 5 मिनट प्लीज। मैं अजनबियों से बातें नहीं करती, और प्लीज डोंट फॉलो मी। श्यामली, सिद्धांत, कैसे कह सकते हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं? अरे कभी तो सीरियस हुआ करो। ये एक्सप्रेशन ठीक है या और सीरियस होना पड़ेगा? सिद्धांत, आई रियली डोंट नो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूं या ना करूं। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती तुम्हारे बारे में। ना मैं तुम्हारे घर के बारे में जानती हूँ, ना तुम्हारे घर वालों के बारे में जानती हूँ, ना मैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में जानती हूँ, ना ही तुम्हारे ऑफिस के बारे में जानती हूँ। कुछ भी नहीं जानती मैं। हफ्ता हफ्ता भर तुम गायब रहते हो। जब तुम चाहते हो तब तुम मुझे कॉल करते हो, जब तुम चाहते हो तब तुम खुद मुझसे मिलने आते हो, और मैं जब मैं तुम्हें डेस्परेटली कॉल करना चाहती हूँ तब हमेशा तुम्हारा मोबाइल ऑफ होता है। हमेशा यही होता है सिद्धांत। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि सिवाय एक मोबाइल फोन के, उस नंबर के, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। एक मिनट श्यामली, इनफ। इधर देखो, इधर देखो, सुबह से खराब है, और मैं इतना बिजी था सुबह से कि इसे ठीक करवाने का टाइम भी नहीं मिला। शामी, तुम ये बार बार ट्रस्ट और इनसिक्योरिटी की बातें करके मुझे हर्ट क्यों करती हो? फोन क्यों नहीं करते? तुमने ये सोच भी कैसे लिया शामली कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने दूंगा? जान ले लूंगा मैं उसकी। उस दिन तुमने मुझे रोक लिया था शामली, आज नहीं। क्या कर? चलो मेरे साथ। Thank you.